मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। मुहर लगने के बाद अब नगर निगम से जुड़ेंगे मधुबनी के 13 पंचायत। मुजफ्फरपुर जिले में रेल आईजी ने रेल पुलिस कार्यालय का किया निरीक्षण, इस दौरान अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। छपरा में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस और स्थानीय महिलाओं में हुई भिड़ंत। भिड़ंत में एक महिला कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी, मामले में कई लोग हुए गिरफ्तार। जमुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जेडीयू मीडिया सेल संयोजक निरंजन पासवान को रंगे हाथों किया गिरफ्तार, वहीं अन्य आरोपी हुए फरार। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से अजीबो गरीब मामला आया सामने, जहां घास को मारने वाली दवा ने फसल को किया बर्बाद, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। मसौढ़ी के बेरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में लोगों को अब तक नहीं मिला मूलभूत सुविधाएं, परेशान होकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के सरायकेला में आज मनाया गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में जुटे कांग्रेस नेता। कल दिनांक 28 दिसंबर 2020 को कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के 135वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नीति और सिद्धांत पर भरोसा और विश्वास करते हुए कल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के निवासी मजीद ने बचत खाते से अवैध निकासी मामले में थाना अध्यक्ष को दिया आवेदन, इस दौरान की जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन सरायकेला कमेटी के सदस्यों ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सौंपा ज्ञापन। मौके पर सरायकेला खरसावा जिला के महासचिव सुमन मोदक, जिला उपाध्यक्ष उमाकांत आदि रहे मौजूद। पूरे देश सुरक्षित रहे, इस कार्य में माननीय प्रधानमंत्री दिन रात परिश्रम करते हुए भारत एक सुरक्षित राष्ट्र बने, इस दिशा में सफल हुए हैं, सफल हो रहे हैं। लेकिन अपने अपने राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की कुछ प्रॉब्लम होती है जो राज्य सरकारों को देखे, तो राज्य सरकार इन सारी चीज़ों को देखे विभिन्न राज्यों की, क्योंकि यह फेडरल स्ट्रक्चर है, जो जनरल नेचर के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उसको देखने का काम राज्य सरकारों का होता है। सहरसा में नशीले पदार्थ की बिक्री और सेवन के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने छेड़ी लड़ाई। सुदखोरी और शादी विवाह के आयोजन पर डीजे को देर रात बजाने के खिलाफ भी जिले के अल्पसंख्यक समुदाय हुए एकजुट।